सो हेलो गाइज, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम एक गेम खेल रहे हैं, बस सिमुलेटर इंडोनेशिया। इसमें एक अच्छा बहुत फीचर है, इसमें आप मोड अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको हम देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं। सो बिना बकैती के चलते हैं वीडियो में, बताते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है। अभी ये मेरा खुल रहा है, अभी देखो आप, ये मैंने थार जो है उसका मोड उसको अप्लाई किया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसका कलर वलर आप सब सेट कर सकते हैं इसके मोड में। ये दरअसल में है बस सिमुलेटर गेम, बट इसमें आप मोड लगा के कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ एक महिंद्रा थार है, स्कॉर्पियो भी मैंने की हुई है, बट आपको दिखाने के लिए मैं स्कॉर्पियो हटा देता हूँ। स्कॉर्पियो को ही हम लोग इसमें लाएंगे। सो हमें मोड अप्लाई करने के लिए सिंपली क्या करना है, जब मेन स्क्रीन खुलेगा तो उसमें हमको जाना है मोड पर। इसके बाद इधर आके सेलेक्ट करना है इंपोर्ट वाला ऑप्शन, एंड देन इंपोर्ट में डिवाइस गैलरी से सेलेक्ट कर लेंगे और जहां हमने मॉड रखा हुआ है गाड़ी का उसको फिर अप्लाई कर लेंगे। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा, फिर ये आपका ऑप्शन आएगा। तो अगर आप 5 रुपये देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ऐड देख के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी महिंद्रा स्कॉर्पियो जो है आ चुकी है, और आप देख सकते हैं ये थार मेरी है जो कि हमने पहले ही अप्लाई किया हुआ था। तो आपको दूसरी गाड़ी दिखाते हैं। अच्छा, ये भी मैंने अभी मॉड से ही मंगाई है भाई साहब, इसमें बहुत बड़ी गाड़ी है। और ये जो खुद की है, मतलब इसमें जो ओपन की है मैंने उसका है, इसको मैंने एडिट वीडिट भी करा है। और ये देखिए हमारी स्कॉर्पियो आ चुकी है यहाँ पे, तो इसको अब एडिट, इसका कलर वलर चेंज कर सकते हैं। तो हम जाएंगे कलर वाला ऑप्शन पे, देन ब्राउजर लाइब्रेरी जो है उस पर जाएंगे, एंड देन फिर वही महिंद्रा स्कॉर्पियो जहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है उसमें बहुत सारा कलर का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ये पीला में थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, चेंज कर लेते हैं दूसरा कलर। काफ़ी कलर है मेरे पास, तो ये देख सकते हैं आप लोग, रेड रेड भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है हमें। तो नेक्स्ट देखते हैं, इस बारी ऑरेंज करेंगे, ऑरेंज भी सही नहीं है उतना, चेंज करते हैं फिर देखते हैं। ये भी उतना सही नहीं लग रहा है, कट्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं इसकी वजह से अच्छा नहीं लग रहा है। और ये ग्रे में हल्का है, ग्रे में तो थोड़ा सही लग रहा है बट उतना भी सही नहीं है, चेंज करते हैं ब्लैक, एक बार देख लेते हैं शायद ब्लैक में ज़्यादा अच्छा लगे। अच्छा ब्लू भी है, ब्लू में गाड़ी डूब जा रही है एकदम थोड़ा। अब एक ब्लैक बचा यार, ब्लैक तो कुछ ज़्यादा ही ब्लैक हो जा रहा है, समझ ही में नहीं आएगा। ऐसा करते हैं हम लोग, हाँ ये कलर सही है, ब्राउन हल्का ठीक है, शाइनिंग वाइनिंग भी है थोड़ा सा। तो अब आप कहेंगे कि अप्लाई तो हो गया है बट शायद चलती ना हो, तो उसके लिए हम फ्री मोड में चलते हैं। पहले सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग डेस्टिनेशन, मैंने मॉड अप्लाई किया तो मैं चला के भी दिखाऊंगा उसको। गो, और अपना गेम खुल रहा है, वेट फॉर सेकंड, थोड़ा सा बूस्ट कर दूं ताकि परफॉर्मेंस अच्छा रहे। 1 GB का गेम है, थोड़ा सा कभी कभी लैग कर लेता है। और ये देखिए आ चुकी है मेरी महिंद्रा थार, महिंद्रा स्कॉर्पियो, सॉरी थार नहीं भाई। मतलब ये गेम ना काफ़ी अच्छा है यार, ये इंटीरियर बेहतरीन इंटीरियर बनाया गया है, देख लो सब लोग। बाई डिफ़ॉल्ट उसमें तो देखिए 1 अगर करेंगे तो 1 से हमारा आगे का बोनेट खुल जा रहा है, 2 करेंगे तो गेट खुल जाएगा, 3 करेंगे तो पीछे वाला खुल जाएगा। और यहाँ से अगर गेट खोलते हैं हम लोग तो ये सारा का सारा गेट खुल जा रहा है, मतलब बंद करते हैं सब धीरे धीरे, बंद हो जा रहा है। काफ़ी सही है, ग्राफिक्स वगैरह ब्रोकन नहीं है। इसको थोड़ा भगा के देखते हैं कितना तेज भागती है। ये देख रहे हो सब लोग, वहां अपना लगा हुआ है मैप वगैरह के लिए LCD स्क्रीन। हमको स्टीयरिंग वाला ज्यादा प्रीफर करते हैं, और स्टीयरिंग में और वो भी FPS में ज्यादा गाड़ी चलाना अच्छा लगता है हमें, मतलब अभी डैशबोर्ड से, क्योंकि हमें थोड़ा अच्छे से कंट्रोलिंग हो पाती है मेरी उसमें। 1 जो थर्ड एंगल होता है, थर्ड आई होता है, उससे हमको चलाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि नहीं निकल पाएगी, लेकिन यहाँ निकल जाती है अपने आप। देखना भी कई जगह ऐसा होगा, यहाँ
यहाँ से हमें मुड़ना आए थे। भाई साहब इंटीरियर तो सही बनाया है, एकदम मस्त, क्या ही कह सकते हैं इंटीरियर के लिए। हटो, देखो अभी मैं वहाँ, अगर कोई और गाड़ी होती तो मैं, अगर मैं थर्ड पर्सन में खेला होता तो वहाँ लड़ जाता, बट ये फर्स्ट पर्सन में यही फायदा है, निकल जाती है, पता नहीं कैसे बस निकल जाती है। स्पीड तो काफ़ी अच्छा है यार, पकड़ ले रही है पटाख से, एकदम टॉर्क है इसको। हम कोशिश करेंगे 200 तक भगाने की हाईवे पे, बट यहाँ नहीं, क्योंकि शहर में नुकसान हो सकता है दूसरे का। अच्छा हाँ, एक और प्रॉपर्टी बता दूँ आपको, जो कहाँ पे बताऊँ, ऐसे कैसे बताएं हम, ये वाला डी के ऊपर जो एक वॉच वाला है, उसको अगर दबा देते हैं, इसलिए एक्सेलरेट करके उसको दबा देते हैं, तो उतने पे मेरी गाड़ी हमेशा लॉक रहेगी। मान लीजिए हम 60 पे चल रहे हैं, उसके बाद उसको दबा दिए हैं, जो डोर वाला ऑप्शन है उससे सेकेंड थर्ड वाला, उधर से थर्ड वाला ऑप्शन जो राइट साइड में है, तो वो मेरी गाड़ी 60 पे हमेशा चलेगी। गाड़ी ठुक गई, सॉरी बताने के चक्कर में ठुक गया, एक्सीडेंट हो गया बेचारे का, आगे गाड़ी वाला था। टॉर्क तो आप लोग देख ही रहे हैं, हैंडलिंग भी सही है, थोड़ा सा सस्पेंशन वाला इशू है कि सस्पेंशन में थोड़ा वाइब्रेशन समझ में आ रहा है, हो सकता है महिंद्रा स्कॉर्पियो में समझ में आता हो, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं जब भी चलाया हूँ तो उसमें तो नहीं है ऐसा कुछ, नहीं होता है कि सस्पेंशन में इशू आ रहा हो। सामने एक भाई साहब बाइक लेके जा रहे हैं, हट जाइए नहीं तोड़ जाएंगे आप, 157। अरे रे, अगर ये मोड़ नहीं आया हुआ था तो हम 200 के पास होते। गेम का भाई व्यू जो है ना, जो ये गेम बनाया, मतलब क्रिएटर जो भी है, बहुत सही सोच समझ के बनाया है। और ये यहाँ पे हमारा दूसरा मैप लोड हो रहा है, क्योंकि वो वाला मैप हम लोग थोड़ा बड़ा लोकेशन चूज किए थे, तो इसकी वजह से बड़ा वाला आ रहा है ये। और ये हम लोग आ चुके हैं दूसरे वाले मैप पे, स्टॉल वाला सब है, गोलगप्पे खाने हो तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलो गाड़ी भगा रहे हैं, तब तक से एक तुम लोग को बताते हैं भाई उपाय पैसा डबल करने का, 2 सेकेंड में पैसा डबल। कुछ नहीं करना है, पैसा लो और मिरर के सामने रख दो, 2 मिनट में पैसा डबल, 2 मिनट सॉरी क्या, 1 सेकेंड में पैसा डबल, रखो पैसा डबल। ऐसे उपाय और सुझाव के लिए हमेशा जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें वीडियो को। अगर मान लो वो किसी को ऐसे लात मार के बाहर भगा रहे हैं, ऐसे गेट खोलेंगे लात मार के बाहर, ओ बच गए। इस पे नहीं जा पाएगी, इस पे हल्का हल्का मोड़ आ जा रहा है, 150 तक जा सकती है इस पे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर कहीं ना कहीं टर्न आ जाएगा। देखो अभी सामने टर्न आ गया, लेकिन स्कॉर्पियो मस्त है, महिंद्रा का लोगो वो सब दिया है एकदम अच्छे से, है नहीं लड़ेगी। ट्रक वाले चल के नहीं रहा है यार, हाईवे आए तो भगाऊं मैं इसको, देखूं कितना जाता है। एसी वेसी ऑन है मेरे एकदम मस्त। अब माइलेज का तो पूछिए मत, हमको लगता है माइलेज ये यही कोई 60-70 का माइलेज दे देती है। अरे हट जा रहा, अरे ठुक गई, एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस थी या पुलिस थी पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चाचा विधायक है हमारे, पुलिस उससे ठुक भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, वो आएगा मेरे चरण ही छू के जाएगा। यही चीज़ मैं बात कर रहा था, ये जब गाड़ी ज़्यादा तेज चल रही है, अगर हल्का सा भी बम्पी रोड आ रहा है तो उस पर उछलने लग रही है, वो थोड़ा कम रहना चाहिए। ऐसे और किसी गाड़ी में नहीं है, इसी में है बस, फिर ठुकेगी, बट कोई दिक्कत नहीं। महिंद्रा की गाड़ी इसीलिए बनी होती है, एकदम स्ट्रांग होती है, अपने देश का लोग भाई स्ट्रांग है एकदम, कोई ठुके, अगर हमारी गाड़ी से अर्टिगा वाला ठुक जाएगा तो वो पता नहीं उसका क्या हो जाएगा, बताओ। मारुति वाला अर्टिगा भी मैं वैसे ला सकता हूँ इसमें, बट उतनी मज़ा नहीं आएगी, इसकी वजह से मैं नहीं ले आया। और यहाँ पे हम नेक्स्ट मैप में चल रहे हैं अब,
नेक्स्ट मैप में आ चुके हैं और ये थोड़ा सा सब रूरल है। रूरल क्या होता है, सब रूरल या रूलर? रूरल 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 134 137। उड़ी उड़ी जाए, उड़ गई निकल गई 140। फिर नीचे आने लगा यार 135। हाँ घूम लो घूम लो, अब दिख रहा है हम पीछे से आ रहे हैं, फिर भी आगे के लोग को इधर ही आना है। साइड व्यू से मस्त लग रही है। मैं ब्लैक स्कॉर्पियो लेके आया था तो कैसा लगता, ब्लैक नहीं मतलब ग्रे वाला जो था वो ज़्यादा सही लगता क्या? ट्राई करेंगे एक बार ग्रे वाला भी। यार स्पीड टेस्ट के लिए मैं नहीं मिल पाया, वैसा रोड ही नहीं मिल पाया, मज़ा नहीं आया। मैं थार को बता रहा हूँ 200 लगाया था, 211 या 21 तक लगाया हूँ उसको। हाईवे मिल गया था, भाई सब क्या ही भाग रही थी एकदम सर सर सर, धर्राटे काटते हुए एकदम निकल रही थी। इस पर तुम जा ही नहीं पाएगी ना, पानी लग रहा है पड़ा है अभी कुछ देर पहले, इधर पानी पानी सब हुआ है। ये गाड़ी तो ऑफ रोड के लिए ना है, थोड़ा सा इसको मिट्टी पे ही चलाते हैं, क्या मतलब है रोड पे चलाने का। अच्छा यहाँ फिर न्यू मैप, शायद यहाँ सीधा सीधा रोड मिला है, बहुत ज्यादा सो था एसी फुल कर तो जरा था, गर्मी लग रही है मुझे। 136 हट जा चूतियों, स्पीडिंग कर रहा हूँ 163। यार यही मुड़ना था बताओ, 163 तक गया तभी मुड़ गया। तेरा हैंडलिंग भाई मतलब तुम्हारा गाड़ी मतलब भाई एकदम गाड़ी को ऐसे घुमाता है, उंगलियों को मचाता है ऐसे। डेस्टिनेशन पे हमें लग रहा है पहुंचने वाले हैं कुछ देर में, फिर जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा 163, फिर कोई ना कोई टर्न आ ही जाएगा, क्या ही भगाऊं। ये शहर में ट्रक वालों को कौन अलाउ किया बे, ये पुलिस वाले पैसा लेके ना शहर में भी अलाउ कर देते हैं बताओ। रात का वक्त अभी हुआ नहीं है, 9 बजे के बाद होता है नो एंट्री खत्म, नो एंट्री अलाउ हो जाता है तब आते हैं ट्रक वाले, अभी सब कुछ जा रहे हैं। चलो भैया आ गए, सो अब अपनी स्कॉर्पियो को पार्क करते हैं। ओप्स, वो जरा सा बस की ड्यूरेबिलिटी मैं टेस्ट कर रहा था कि बस सही है ना, उसके वजह से था, वरना तो वैसे मेरी गाड़ी कभी टूटती नहीं है। और ये रहा हमारा पार्किंग स्थल, अरे आ जाओ, हाँ आ जाओ। अरे क्या ये कौन सा, ये बस ड्राइवर कहाँ का है, इंडिया का वो क्या कहते हैं भाई, वो नहीं ना है, यही दिक्कत है मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। सरकारी बस ड्राइवर भाई ऐसे काटते काटते धर्राटे मारते हुए लेके जाते हैं। सो ये रहा हमारा आज का वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें, और हमसे हमेशा इसी तरह जुड़े रहें और बकवास कंटेंट्स के लिए, और बकवास करेंगे और मजे लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।